तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ऊपर ऑल एक्स पर अपना सबको बढ़िया रखना, तंदुरुस्त चकास। तो गाइस, मैं आया था गांव कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद मेरे को जाना था इंदौर। तो इंदौर के लिए जैसे ही मैं रवाना हुआ, सुबह के 6:30 बज गए थे और मेरे को सब सी ऑफ करने आए थे हम लोगों को। हमारा जो जहाँ पे अपनी वेगनार खड़ी थी वहाँ पे सी ऑफ करने के लिए पूरी फैमिली आई थी। जैसे हम लोगों ने गाड़ी लोड करी और हम लोग गाड़ी में बैठे, पता चला गाड़ी का पीछे का टायर एक पंचर है। फिर मुसीबत आ गई। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं स्टेप नहीं लगाए, लेकिन स्टेप नहीं लगाने की पाना भी नहीं था। जैसे जैसे पाना की व्यवस्था करी और नया स्टेप नहीं लगा के हम लोग निकल पड़े गाँव से। गाँव पड़ता है तिलिसन से पहले पफरियाणा से। तो निकल पड़े हम लोग इस सफर पे, जो सफर रहेगा जयपुर तक, शायद आगे तक। लेट्स सी कहां तक पहुंच पाते हैं। प्लानिंग तो ये थी दिल्ली तक पहुंचने की, लेकिन टाइम अपने पास बच जाएगा तो हम लोगों ने कवर करने की सोची कि दिल्ली से भी आगे निकल पड़ेंगे हम आज इस सफर पे। तो दोस्तों, आप बने रहे इस खूबसूरत सफर पे, आपको खूबसूरत वादियों का एक नज़ारा देखने को मिलेगा अब हमारे गांव से। और उत्तराखंड की खूबसूरत रोडें आपको दिखाई देंगी, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट और आप बने रहे इस ब्लॉग में। अगर वीडियो को पहली बार दे रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा पीएस नेगी ब्लॉग्स या इंदौरी नेगी, कोई से भी आप चैनल देख रहे हो। तो करते हैं आज इस ब्लॉग को स्टार्ट। तो दोस्तों, रोड तो आप देख ही पा रहे होंगे कैसी रोड है हमारी यहाँ पे। तो एक्चुअली ये मेन रोड से जो NH है, NH से हमारे गांव के लिए जो रोड बनी है 1 किलोमीटर की, ये रोड ऐसे मिलेगी आपको बिना डामरीकरण का। हालांकि इस रोड को बने हुए 4-5 साल हो गए शायद, तो इसका डामरीकरण अभी तक हुआ नहीं। लेकिन जो भी है, ये है कि हम घर तक गाड़ी ले जा सकते हैं। तो ये रोड आपको दिखाई दे रही है पूरी मिट्टी की और पूरी चढ़ाई है। अभी तो हम लोग ढलान के लिए निकल रहे हैं, तो ये रोड ऐसी है दोस्तों। बाकी आगे का सर आप देख ही लेंगे, NH पे हम लोग कनेक्ट कर ही लेंगे। तो दोस्तों, रोड को देख के और रोड की कंडीशन देख के हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि जिसने पहाड़ में गाड़ी चला ली वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है। तो क्योंकि पहाड़ की रोडें बहुत ही संकरी होती है और हर 2-3 सेकंड में मूड आ जाता है एक नया, और जहाँ पे कि आपको पता नहीं कि आगे से कोई गाड़ी भी आने वाली है। इतनी संकरी रोड और गाड़ियों का ट्रैफिक का आना जाना, तो इसलिए बोलते लोग जो पहाड़ में गाड़ी चला लेगा कहीं भी गाड़ी चला ले। तो दोस्तों, यहाँ से हमें NH कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने, और NH भी ऐसा नहीं कि नेशनल हाईवे है तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये रोड भी आपको इतनी संकरी मिलेगी जितनी हम लोग अभी आ रहे थे, तो इस पर भी अपने को साइड देना पड़ता है रोड पे। अगर दूसरी गाड़ी है उसको पास देने के लिए थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गैस गाड़ी को क्रॉस कर लोगे। तो एनीवेज गाइस, तो कल आप बने रहे इस सफ़र पे। आई होप आपको इस सफ़र अच्छा लग रहा होगा, रोडें काफ़ी अच्छी लग रही होंगी दोनों तरफ हरियाली। तो आप बने रहे इस ब्लॉग में हमारे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं थलीसेन, जो हमारा मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ हमें ड्रॉप करना था अक्षिता एंड अक्षत को, जिनके स्कूल अभी 7:30 से है। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं यहाँ से आगे के लिए, जो कि पड़ता है यहाँ से कोटद्वार वाला रास्ता। तो आप बने रहे इस सफ़र में, आगे आपको और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल। तो दोस्तों, थलीसेन की बात आता है चौरीखाल मार्केट। तो चौरीखाल में हम लोग आ गए हैं। चौरीखाल में रुकते नहीं, हालांकि बहुत सारी गाड़ियां रुकती हैं यहाँ पे। मेरे एक बर्फ़ वाला, जो बिस्नो वाला ब्रो था अपना,
ब्लॉक था वो भी आप देखेंगे तो ये चौरीखाल का ही है। तो अभी चौरीखाल से हम लोग निकल पड़े हैं आगे के लिए, दमदेवल रोड पे हम लोग आगे जाए चले जाएंगे पौड़ी वाले। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से लेफ्ट के लिए निकल गए जो कि दमदेवल हॉक के लिए निकलती है, और जो राइट पे जाता है पौड़ी जाता है। तो हम लोग दमदेवल के रास्ते निकलेंगे जो सतपुली को कनेक्ट। वैसे प्यार का हो पागलपन या मेरे दिल की धड़की, मेरे लिए एक ही प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दमदेवल में। अब दमदेवल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से दमदेवल है चौरीखाल के बाद जो आता है, और यहाँ से फिर हम लोग सतपुली में मिलेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हो आप कितनी बारीक रोड है यहाँ पे। दूसरी बस को भी अगर पास देना, आपको गाड़ी को भी पास देना, तो बहुत आगे तक या पीछे तक आना पड़ेगा आपको पास देने के लिए। जहाँ पे आपको थोड़ा सा चौड़ी रोड मिलेगी तो पास दे पाओगे। तो ये दोस्तों ये है यहाँ की रोड है जो आपको दिखाई देंगे, लेकिन सुंदर काफ़ी है।
तो दोस्तों पहुंच चुके हम लोग सब्जी पे और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे और ये सब्जी से थोड़ा सा पहले चार हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ से ये अपना दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे पे, और हालांकि मैं काफ़ी आगे निकल गया, लगभग 50 किलोमीटर, मतलब ये सोहान से पहले गुड़गांव क्रॉस करके मिलता अपने को ये एक्सप्रेसवे। और अभी मेरे को आज मैं शायद जयपुर जाऊं या कोटा जाऊं वो आगे जाके डिसाइड करूंगा। तो अभी तो मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। अभी टाइम हो चुका है, एक्चुअली मैंने सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास पराठा खाया था मैंने, आलू का पराठा और चाय पी थी। और अभी शाम के 6:30 हो गया, मतलब 6:30 हो गया टाइम, और अब 6:30 बजे थोड़ा भूख लग गई। काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं हाईवे पे, हाईवे तो बना है लेकिन अभी प्रॉपर नहीं बना है। जो इन्होंने दिखा रखा है ना एमएनटीज़ कि यहाँ पे आपको फूड वूड मिल जाएगा, तो इधर मेरे को दिखा नहीं है अभी कहीं फूड, आगे जाके दिखता हूँ और आपको भी बताता हूँ। मुंबई सॉरी दिल्ली बम्बई वाला एक्सप्रेस वे है, उसका आनंद आपको भी लेना, मतलब इस पर आप अच्छी खासी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो, 120 तो आप आराम से चला। यहाँ पे कार की जो लिमिट है यहाँ पे लेन पे दे रखी है, 120 तक आप चला सकते हो इस हाईवे पे गाड़ी। बस आपको थोड़ा हाईवे बताऊँगा बस, और अभी 6:30 हो गया और शायद जयपुर या जयपुर तो शायद मैं पहुँच जाऊँगा 10-11 बजे तक, और देखता हूँ वहाँ से आगे कोटा निकलूंगा या फिर कल ही निकलूंगा, फिर मेरे को इंदौर पहुँचना है। तो अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको ये एक्सप्रेस वे, और चलो करते हैं आज का व्लॉग। अभी टाइम हो गया लगभग 8 बजे और मैंने अभी मेरे को यहाँ पे खाने के लिए कुछ समोसे मिले, 2 समोसे आलू पेटीज बोलते हैं जिसको, वो खाए और एक रेड बुल पी और चिप्स का पैकेट लिया था मैं। तो हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं अभी, है ना। तो फाइनली दोस्तों रात के 11-12 बजे के आसपास मैं पहुँच गया कोटा से 80-70 किलोमीटर पहले, जहाँ पे मेरे को एक रूम मिल गया था अच्छा खासा। तो मैं उस रूम में आराम करने का प्लान बनाया और सुबह यहाँ से निकल लूँगा मैं, और आगे के ब्लॉग में आपको और भी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते बने रहिए आप पीएस नेगी ब्लॉग से इंदौरी नेगी के साथ।